हाय एवरीवन, अगर आपको काफ़ी समय से पिंपल्स हैं जो नॉर्मल पिंपल के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको फंगल एक्ने के बारे में बताऊंगी, क्या होता है फंगल एक्ने, कैसे वो नॉर्मल पिंपल से अलग होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये क्यों होगा किसी को, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फंगल एक्ने एक बहुत नई एंटिटी है, नया टर्म है, लेकिन ये बीमारी पुरानी है, ये बीमारी नई नहीं है। और डर्मेटोलॉजिस्ट की भाषा में फंगल एक्ने को मेलेसीजिया फॉलिकुलाइटिस या पिट्रोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, क्योंकि ये मेलेसीजिया नाम के फंगस से होती है। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें मेलेसीजिया फॉलिकुलाइटिस का मतलब है, फॉलिकुलाइटिस का मतलब है एक एक हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन। तो ये फंगस हेयर फॉलिकल में हो जाती है और इसकी वजह से दाने बनते हैं, रेड रेज्ड बम्स बनेंगे जहाँ जहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन है। ये चेहरे पर भी हो सकता है, ये बैक पर भी हो सकता है। तो अब अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो हम इसे फंगल एक्ने क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब ये एक एक हेयर फॉलिकल का फंगल इन्फेक्शन होता है चेहरे पर, बैक पर, तो ऐसे में क्या होता है कि लाल रंग के छोटे छोटे पिंपल जैसे दाने बनेंगे उन जगहों पे जहाँ पर ये इन्फेक्शन हुआ है, और वो पिंपल जैसे लगते हैं देखने में, तो इस वजह से इसको फंगल एक्ने कहा जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी एक्ने यानी पिंपल नहीं होता, ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है और इसी वजह से इसका इलाज उस दिशा में होना चाहिए। और अगर आपको फंगल एक्ने है और आप नॉर्मल पिंपल का इलाज कर रहे हैं तो आपके पिंपल उतनी आसानी से नहीं जाएंगे, आपको अपनी परेशानी में आराम नहीं मिलेगा और इसी वजह से ये डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें लाल रंग के बम्स बन जाएंगे चेहरे पे जहां जहां भी वो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, ये बैक पर भी हो सकता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये फंगल एक्ने है कि ये नॉर्मल पिंपल्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि नॉर्मल पिंपल्स में आपको ब्लैक हेड्स भी होंगे, आपको वाइट हेड्स हो सकते हैं, आपको पस वाले दाने हो सकते हैं, आपके पिंपल पेनफुल हो सकते हैं, आपको सिस्ट और नोड्यूल बन सकती है। लेकिन फंगल एक्ने में ये होगा कि लाल रंग के छोटे छोटे पिंपल जैसे दाने बनेंगे उन जगहों पे जहाँ जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन, ये फंगल एक्ने है, बैक पे, चेहरे पे, किसी भी जगह, चेस्ट पे, कहीं भी हो सकता है ये। और ये सारे दाने यूजुअली एक जैसे होते हैं देखने में, जिसे हम मोनोमॉर्फिक कहते हैं। तो ये सारे एक जैसे होते हैं देखने में और ये इसमें आपको ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं दिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ऑफकोर्स अगर आप पिंपल का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, पिंपल के जेल लगा चुके हैं और उससे आराम नहीं मिल रहा, तो ये एक दूसरा कारण है आपके लिए सस्पेक्ट करने का कि शायद ये फंगल एक्ने हो सकता है। अब देखिए, नॉर्मल पिंपल भी ऑयली स्किन में ज़्यादा होते हैं और फंगल इन्फेक्शन जो ये फंगल एक्ने है ये भी ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा होगा। तो ऑयली स्किन के अलावा और क्या कारण है फंगल एक्ने होने के, तो गर्मी में, पसीने में, स्वेटी एनवायरनमेंट में फंगल एक्ने ज़्यादा हो सकता है। और ये होता भी उन जगहों पे ज़्यादा है जो हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स चेहरे पे और बैक पे। इसके अलावा अगर आपने कभी चेहरे पे स्टेरॉयड लगाया है, स्टेरॉयड क्रीम्स लगाई हैं, तो भी चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको फंगल एक्ने हो। और इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, किसी भी कारण से इम्यूनिटी कम हो, तो ऐसे लोगों में भी फंगल इन्फेक्शन, फंगल एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब अगर ये हमें पता चल गया कि ये फंगल एक्ने है, या हम फंगल एक्ने का ट्रीटमेंट एक बार ट्राई करके देखना चाहते हैं, तो क्या करना है इसमें, देखिए, सबसे पहले तो आपको एंटी फंगल शैम्पूज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें ZPTO यानी जिंक पायरेथियन हो, ये शैम्पूज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शैम्पूज़ आप हेड वॉश के लिए कर सकते हैं, पर इंडिया में अब एंटी फंगल बॉडी वॉशेज़ भी अवेलेबल हैं। तो किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो तो आप ये एंटी फंगल बॉडी वॉशेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीटाकोनाजोल के बॉडी वॉशेस अवेलेबल हैं और आप उनको डाइल्यूट करके उनको एज फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटी फंगल क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फंगल एक्ने है तो उससे भी आपका फंगल एक्ने कम होगा। और अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं
कि ये फंगल एक्ने है, कि ये नॉर्मल एक्ने यानी कि बैक्टीरियल एक्ने है, नॉर्मल एक्ने बैक्टीरियल होता है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो सैलिसिलिक एसिड, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा, आपके चेहरे की ज़्यादा ऑयलीनेस को कम करेगा। तो अगर वो फंगल एक्ने हो या बैक्टीरियल नॉर्मल एक्ने हो, तो उसमें सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉशेस काम करेंगे, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सल्फर बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सल्फर बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि सल्फर के भी क्रीम्स और बॉडी वॉशेस वगैरह आते हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर में दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी फंगल भी और एंटी बैक्टीरियल भी। तो किसी भी तरह का एक्ने हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये फंगल एक्ने है कि ये नॉर्मल एक्ने है, तो आप सल्फर बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये सब करके फ़र्क ना दिखे, तो सबसे ज़रूरी है कि अपने नियरेस्ट एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको ओरल एंटीफंगल कैप्सूल्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब आपको एंटीफंगल टैबलेट्स और कैप्सूल्स खाकर ही अब आराम मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब हैंडल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक, और इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट बनाती हूँ, जिसमें आपको स्किन और हेयर से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा। और अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे सेफ, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। मैं आपको जल्द मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।